अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस लेक्चर जो आपने सुना उसमें आपने देखा कि हमने एसिड का रिएक्शन करवाया था विद अदर सब्सटेंसेस लाइक मेटल, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो आज का ये जो लेक्चर है फिर हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे एसिड के विद, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बेस के साथ, उसके बाद हम देखेंगे सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ, और लास्ट में हम सल्फाइड से रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो जी फ्रेंड, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा सेम वैसे ही पैटर्न पे आज भी हमने रिएक्शन को डिस्कस करना है एसिड के, और हम देखेंगे कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कैसे कंज्यूम हो रहे हैं, किस तरह से आयंस डेवलप होते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं और कैसे कोई नया प्रोडक्ट बनता है। तो वही तमाम चीजें हमें देखनी है। सो पहला रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद बेस। ठीक है, रिएक्शन है इसका एसिड का, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड विद बेस। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आप किसी एसिड को बेस से रिएक्ट करवाओगे तो हमेशा एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर की इक्वेशन होगी। इस तरह के प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लेटर ऑन हमने एक टॉपिक सेपरेटली इसका जो है डिस्कस करना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, उसमें मैं आप लोगों के साथ डेफिनेशन भी शेयर करूंगा, उसको मजीद एक्सप्लेन भी करूंगा। फोरस रिएक्शन की तरफ जाते हैं और देखने का रिएक्शन किस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं विद द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास बनता है NaCl और वाटर की फॉर्मेशन होती है H2O। ठीक है, ये हमारे पास बनता है। ठीक है, हम ये बात जानते हैं ये एसिड है, ये बेस है, और इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास एक बन रहा है सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, पहले रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, फिर मैं आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा इसी रिएक्शन को, मजीद आगे चलेंगे और एक हमने इससे मुतालिक विजुअल भी देखना है, उसमें भी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखिए जनाब, हम जानते हैं कि वाटर एक्वस मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं इस पूरे रिएक्शन के लिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि एक एसिड है तो ये वाटर के अंदर एच पॉजिटिव बाइंड डोनेट करता है, तो ये एच पॉजिटिव बाइंड देगा और साथ में हमारे पास सीएल नेगेटिव बाइंड की इक्वेशन होगी क्योंकि आप कह रहे हैं आयनाइजेशन हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आयनाइज होता है एंड इट विल ऑलवेज फॉर्म से Na पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये जो एच पॉजिटिव बाइंड है इट विल कंबाइन विद दिस हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों के कंबिनेशन की वजह से हम वाटर गेट कर रहे हैं, वाटर गेट कर रहे हैं इन दोनों की कंबिनेशन की वजह से H2O डेवलप कर रहे हैं। ठीक हो गया, Na प्लस आयन HCl नेगेटिव से मिले और NaCl की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है। ठीक है, सो व्हेनेवर यू रिएक्ट एन एसिड विद बेस यू ऑलवेज फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर जो है उसकी फॉर्मेशन आप देखते हैं कि होती है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर आप फर्दर देखें तो लेट्स सपोज यू आर रिएक्टिंग कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, इंटरेक्शन से भी आपके पास क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करवा रहे हैं, इंटरेक्शन के थ्रू आप कॉपर सल्फेट गेट कर रहे हैं और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट गेट कर रहे हैं। रिएक्शन को अंडरस्टैंड करें किस तरीके से हो रहा है, अगर आप कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसको आप आयनाइज करेंगे यू विल गेट Ca+2 आयन एंड O-2 आयन। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप आयनाइज करते हैं सो यू विल गेट H+ आयन एंड SO4-2 आयन। ठीक हो गया, ये H+ आयन इस ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद बना देगा वाटर, इस तरीके से सल्फेट आयन जो है इट विल रिएक्ट विद कॉपर आयन Co+2 आयन। ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन से कॉपर सल्फेट की डेवलपमेंट हो रही है। तो हमेशा क्योंकि हम एक एसिड को जब भी रिएक्ट करवाते हैं विद बेस उसे सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा है, और सॉल्ट और वाटर की जहां तक बात है तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो ना तो एसिड कंसिडर होते हैं ना ही बेस कंसिडर होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए हम इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये पहला रिएक्शन जो है आपके पास एसिड और बेस का HCl का विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको एक्सप्लेन करता हूं एक विजुअल की फॉर्म में, देखते हैं और फिर वापस आए। तो ले जनाब, हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, दो बीकर हैं, दो बीकर के अंदर एक में हमारे पास एसिड था एक में बेस था, हमने ये डाल दिया कॉनिकल फ्लास्क में। अब हम क्या करने वाले हैं, जूम करेंगे
और जूम करके देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये आयंस डेवलप हुए और आयंस किस तरीके से जो है आपस में रिएक्ट करने के बाद फाइनल शेप सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नाउ इनसाइड द सॉल्यूशन वी हैव Cl नेगेटिव आयंस, Na प्लस आयंस, H पॉजिटिव आयंस एंड ऑक्सीजन, ठीक है, यानी OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो ये अब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इनके रिएक्शन के थ्रू आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वाटर की फॉर्मेशन होती जा रही है। हाइड्रोजन आयंस जो है वो OH नेगेटिव आयंस से कंबाइन होकर वाटर बना रही है। Cl नेगेटिव आयंस जो है नाउ दे आर क्रिएटिंग इफेक्टिव फोर्सेस विद द सोडियम प्लस आयंस, ठीक है, और इससे सोडियम क्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन आप देखेंगे कि होती है, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास एक फाइनल रिएक्शन भी जो मैंने आपको अंडरस्टैंड भी करवाया, समझाया भी किस तरीके से जो है रिएक्शन कंप्लीट आउट होता है। तो रिएक्शन था पहला हमारा एसिड का विद बेस। अब हम बात करेंगे सल्फाइड और बाई सल्फाइड रिएक्शन एसिड के साथ। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब हम रिएक्ट करेंगे एसिड को विद सल्फाइड और बाई सल्फाइड, वो देख लेते हैं। रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाय सल्फाइड, ठीक है, हमने इसकी बात कर ली है। पहले तो हमें यह बताना चाहिए कि सल्फाइड टर्म है क्या, ये किस बात को रिफ्लेक्ट करती है, हमें सबसे पहले इससे मुतालिक बताना चाहिए कि सल्फाइड क्या, बाय सल्फाइड क्या है, ठीक है। लेकिन जब भी किसी कंपाउंड के अंदर आपको नजर आ जाए SO3, ठीक है, ये ग्रुप नजर आ जाए SO3 नजर आ जाए तो ये इंडिकेशन है सल्फाइड की, और जब भी किसी कंपाउंड के अंदर HSO3 नजर आ जाए तो ये इंडिकेशन है बाय सल्फाइड। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सल्फाइड जब भी हमारे पास किसी एक कंपाउंड के अंदर SO3 आए सल्फाइड, और जब भी HSO4 नेगेटिव आए यानी के तो हम उस तरह के कंपाउंड को बाय सल्फाइड कहेंगे। अब हमें रिएक्शन देखना है कि रिएक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान भी हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि एसिड जो है जब उसमें आप सल्फाइड या बाय सल्फाइड डालते हैं तो एफर्वेसेंस क्रिएट होते हैं, बबल्स क्रिएट होते हैं और कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है। वो गैस कौन सी है वो मैं इस वक्त आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो वी हैव कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हमारे पास जो है एक कैल्शियम सल्फाइड सॉरी मौजूद है, ठीक है, और उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। इस रिएक्शन की वजह से हमारे पास जो बनेगा वो है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और साथ में हमारे पास बनेगा SO2 जो कि गैशियस फॉर्म में बनेगा जो सिस्टम से इवॉल्व हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज वाटर H2O बनेगा, ठीक है। यानी मैंने आपसे कहा कि एफर्वेसेंस क्रिएट होगी तो एफर्वेसेंस किसकी होगी, वो सल्फर डाइऑक्साइड की होंगी, गैशियस फॉर्म में बन रहा है, सिस्टम से इवॉल्व होगा, आपके सॉल्यूशन से बबल्स की जरूरत में निकल जाएगा, ठीक है। अब देखें कैल्शियम सल्फाइड की बात करते हैं, कैल्शियम सल्फाइड अपने आप को आयनाइज करता है सो इट विल फॉर्म Ca+2 एंड SO3-2, ठीक है, ये बनाएगा। इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अगर आप उसकी बात करते हो तो H पॉजिटिव आयंस बनते हैं और Cl नेगेटिव बनता है इनसाइड वाटर, ठीक है। सल्फेट आयन फर्दर अपने आप को जो है सल्फाइड आयन सॉरी फर्दर अपने आप को जो है तोड़ता है सल्फर डाइऑक्साइड में और बनता है O-2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा मेजर प्रोडक्ट है, वो रिमूव हो जाएगा गैसियस फॉर्म के अंदर। ये जो O-2 है इट विल रिएक्ट विद H पॉजिटिव आयंस और बनाएगा वाटर। पीछे बच गया Cl नेगेटिव आयंस, ये Cl नेगेटिव आयंस कैल्शियम आयन से रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सो ये पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ सल्फाइड, ठीक है, मेटल सल्फाइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड हम दे रहे हैं यहां पर, ठीक है, विद एसिड और उसके थ्रू कैल्शियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये सेक्शन में हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड वाटर जरूर बनता है और डेस्ट भी हम जो है मेटल का सल्फाइड लेते हैं उसी मेटल का हमारे पास सॉल्ट जो है वो डेवलप होता है। इस तरीके से हमारे पास जो है बाइसल्फाइड भी हो सकता है, जैसे आपसे कहा था कि NHSO3 इसको अगर आप रिएक्ट करवाते हो विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो बाय रिएक्टिंग दीज टू वी विल गेट क्या गेट करेंगे जी हम इसके थ्रू हम गेट करेंगे NaCl साथ में बनेगा SO2 और इसके साथ साथ हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी H2O बनेगा। अब इसको भी एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं है, जैसे लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, इससे बनता है हमारे पास एक अदद Na+ H पॉजिटिव और साथ में SO3-2 बनता है
ये SO3 negative 2 आप जानते हैं टूट जाता है into SO2 और O negative 2. ये SO2 आपका major product है. O minus 2 जो है इस H positive और HCl से जो बनेगा हमारे पास H positive इनसे मिलने के बाद इन दोनों से भी ये वाला और ये वाला H positive इस O negative से मिलके water ना देंगे. ये Cl negative जो है it will combine with this Na plus ion and will make salt which is NaCl. So hopefully आपको reaction of acid with sulfide एंड बाय सल्फाइड समझ आया होगा. नॉर्मली लेफ्ट विद ओनली वन रिएक्शन जो कि सल्फाइड के साथ है उसको डिस्कस करते हैं और फिर अपनी कहानी को आगे लेते हैं. तो फाइनली वी हैव लास्ट रिएक्शन जो कि हमारे पास है सल्फाइड के साथ रिएक्शन. तो अब हम देखेंगे रिएक्शन विद सल्फाइड. देखिए जहां तक बात है सल्फाइड के रिएक्शन की तो इसमें हम करते क्या है. अब सल्फाइड की टर्म कहां यूज होती है. जब भी किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ सल्फर आ जाए ठीक है तो इस तरह के कंपाउंड को नॉर्मली हम सल्फाइड कहते हैं. जैसे आयरन सल्फाइड हमने यूज करना है. आयरन सल्फाइड इसको रिएक्ट करवाएंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड और इसके थ्रू हमारे पास बनेगा आयरन सल्फेट जो कि सॉल्ट है और साथ में हमारे पास आयरन सल्फाइड की फ्यूजन होगी जो कि गैसियस फॉर्म में बनेगी और सिस्टम से इवॉल्व हो जाएगी निकल जाएगी रिमूव हो जाएगी एफर्वेसेंस की फॉर्म के अंदर यानी बबल्स की फॉर्म के अंदर ठीक है. सो रिएक्शन समझते हैं किस तरीके से हो रहा है. जैसे आपसे कहा था कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर एस मौजूद हो किसी एक मेटल के साथ जुड़ा हुआ वो सल्फाइड होता है. रिएक्टर वाले हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. अब देखो रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है. आयरन सल्फाइड को अगर आप आयनाइज करें सो इट विल फॉर्म Fe प्लस 2 आयन और एस नेगेटिव 2 की फॉर्मेशन होती है ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप बात करते हैं तो ये बनाता है 2H पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव 2 आयन ठीक हो गया. अब क्या होता है ये आयरन जो है इट विल रिएक्ट विद दिस सल्फेट सल्फाइड ठीक है. ये सल्फाइड वैसे तो आपके हमारे पास सॉरी सल्फेट आयन है. ये सल्फेट आयन है. सल्फाइड में SO3 नेगेटिव होता है ठीक है नेगेटिव 2 होता है. तो सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा ये आयरन ठीक है और आयरन सल्फेट बनाएगा ठीक है. उसके बाद ये जो एस नेगेटिव 2 है इट विल रिएक्ट विद एच पॉजिटिव आयन एंड विल मेक आयरन सल्फाइड जो कि गैसियस फॉर्म में बनता है एफर्वेसेंस की फॉर्म के अंदर रिमूव होगा. इसी को विजुअल फॉर्म में भी हम देख सकते हैं. देखते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपने सिंपल ये बात देखी है कि इसके अंदर इस पर जो आप सोडियम सल्फाइड ले रहे हैं यहाँ आयरन सल्फाइड लिया था आप उसके अंदर आपने कोई एसिड डाल दी यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं यहाँ हमने रिएक्शन दिया था सल्फ्यूरिक एसिड लिया था. फिर समझने की जरूरत है हमें ठीक है. अब ये रिएक्शन होगा इस रिएक्शन की वजह से हमारे पास एक गैस डेवलप होगी जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब के जो आप कह रहे हैं ऊपर एग्जैक्टली शो भी हुई थी ठीक है. तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन थे एसिड के विद डिफरेंट अदर कंपाउंड ठीक है. होपफुली आपने समझ लिया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा और एंजॉय भी किया होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. नेक्स्ट सेक्शन मुलाकात होगी तब तक के लिए अलहमद.